नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव सिंह व्हाइट टाइगर सफारी के द्वारा वन्य प्राणियों के संरक्षण को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत जू प्रबंधन के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। आज की तारीख में मुकुंदपुर टाइगर सफारी जू में 4 सफेद बाघों को संरक्षित किया जा रहा है और लगातार टाइगर के संरक्षण को लेकर कोशिशें की जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर देखिए गुड मॉर्निंग टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। सीधी के जंगल में 27 मई 1951 को पहली बार सफेद बाघ देखा गया था, जिसके बाद रीवा के तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह ने सफेद शेरों के संरक्षण के प्रयास शुरू किए और उस बाघ को पकड़कर गोविंदगढ़ किला ले आए, जिसके बाद शेरों के संरक्षण के तरीके निकाले जाने लगे और महाराजा मार्तंड सिंह ने उस सफेद शेर का नाम मोहन रखा, जिसकी मृत्यु वर्ष 1969 में हो गई और राजकीय सम्मान के साथ सफेद शेर मोहन का अंतिम संस्कार किया गया। बाद में शेरों के संरक्षण को लेकर सरकारें लगातार मुखर रही हैं और वर्ष 2016 में रीवा के मुकुंदपुर पर शेरों के संरक्षण के लिए नया महाराजा मार्तंड सिंह के नाम से जू बनाया गया, जहां पर फिर से सफेद शेर मोहन को याद करते हुए सफेद शेरों के संरक्षण की कोशिश की गई और यहां पर वन्य प्राणियों के रखरखाव को लेकर व्यवस्था बनाई गई है। आपको बता दें कि विंध्य क्षेत्र में बाघ को शेर भी कहा जाता है। अब मुकुंदपुर टाइगर सफारी जू में अलग अलग तरह के वन्य प्राणी मौजूद हैं और दूर दराज से इन्हें देखने के लिए लोगों का मेला लगता है। आज अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के उपलक्ष्य में अब भी लोग टाइगर देखने का मुख्य महत्व मुकुंदपुर टाइगर सफारी को ही मानते हैं। निश्चित रूप से ये इंटरनेशनल टाइगर डे पे हम एक तरह से मिशन मोड में उसको लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कोशिश करते हैं। अब आजकल तो चूंकि ज़्यादातर चीज़ें बैठक करके या वर्कशॉप करके नहीं हो रही हैं, तो वर्चुअल मीटिंग से या सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें चल रही हैं। टाइगर चूंकि पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे शीर्ष पे बैठा हुआ है, तो शीर्ष बैठे होने का मतलब ये नहीं है कि वो अकेला ही महत्वपूर्ण है, बल्कि उसके शीर्ष पे पहुंचने में पूरा इकोसिस्टम सहायक है। और इकोसिस्टम में चाहे वो हर्बीवोर्स हो, प्रे बेस हो या फॉरेस्ट का हैबिटेट हो, पेड़ पौधे, घास के मैदान, पानी, ये सारी चीज़ें उसमें योगदान देती हैं। तो इन सब चीज़ों का कंजर्वेशन करने से ही हम एक टाइगर कंजर्वेशन या मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये संदेश लोगों तक पहुँचे और इसलिए चाहे वन्य प्राणी सप्ताह मनाते हैं अक्टूबर में या इस तरह के नेशनल या इंटरनेशनल टाइगर डे में हम मनाते हैं। और इसी दिशा में जो टाइगर सफारी या जू बनते हैं, जैसा यहाँ पे पास में ही सतना जिले में मुकुंदपुर जू है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और वहाँ पे हमारे पास वाइट टाइगर भी सफारी में रखे गए हैं और टाइगर भी हैं, लायन भी हैं, दूसरे भी हर्बीवोर्स और दूसरी चीज़ें हैं वहाँ पर, और अच्छी मात्रा में पब्लिक वहाँ आती है, अवेयर होती है और उसके प्रति, वन्य प्राणी के प्रति उनको एक लगाव भी होता है और उसके महत्व का भी पता चलता है। और ये चाहे स्टूडेंट हों चाहे गांव का आदमी हो, निश्चित रूप से उनका योगदान है कि मध्य प्रदेश में एक अच्छी पॉपुलेशन टाइगर की पैदा हुई है और सस्टेन कर रही है। और वो इस तरह का एक तरह का इंडिकेटर भी है कि हमारा जंगल और प्रेवेश अच्छा हो रहा है और स्वस्थ हुआ है। निश्चित रूप से जू अभी डेवलपमेंट स्टेज में ही है, क्योंकि लगभग 50% एनक्लोजर्स हमारे बन गए हैं, टूरिज्म तो चल रहा है लेकिन और भी एनक्लोजर्स तैयार हो रहे हैं, लगभग 15-16 एनक्लोजर और तैयार होंगे। तैयार होने के बाद दूसरे कैप्टिव वाइल्ड लाइफ वहाँ पर ला करके रखे जाएंगे डिस्प्ले के लिए, और उसमें हमारे पास एक रेस्क्यू सेंटर भी है, कहीं कुछ भी घटना दुर्घटना होती है, डॉक्टर्स हैं, अधिकारी हैं, वो 24 आवर मॉनिटरिंग में हमारा सिस्टम रहता है। और वनों में जो खुले में वन्य प्राणी मैनेजमेंट की बात है, उसके लिए भी किसी भी वन्य प्राणी के लिए पानी और खुला घास का मैदान और छुपने के लिए घर, तो उसका घर कोई अलग से ईंट पत्थर का नहीं बल्कि पेड़ और झुरमुट ही उसके घर होते हैं, तो उनका कंजर्वेशन और डेवलपमेंट करने के लिए प्लान के तहत हमको राशि मिलती है, कुछ NTCA से, कुछ डिपार्टमेंटल बजट से। तो उसकी भी सारी चीज़ें आसपास रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली में ये कार्यवाही हो रही है। आपके द्वारा क्या मैसेज देना चाहते हैं कि लोगों को कितना किस तरह से कोऑपरेट करना चाहिए? निश्चित रूप से एक जैसे शरीर में एक छोटा सा भी डिफेक्ट हो जाए तो पूरा शरीर बैठ जाता है, इसी तरह से वो पूरा इकोसिस्टम
जो जंगल का है और वन्य प्राणियों से समाहित है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसको स्वस्थ बनाए रखें। उसके स्वस्थ रहने पे ही पूरी मानव आबादी स्वस्थ रहेगी, और इस दिशा में अगर लोग सोच रखेंगे तो निश्चित रूप से पूरा समाज, पूरा विश्व खुशहाल रहेगा। थैंक यू सर। अभी ऐसे ही प्राप्त हुई थी कि टाइगर्स को गोद लेने के लिए कुछ प्रक्रिया शुरू हुई थी कि कोई भी प्राइवेट आदमी उनको गोद ले सकता है। हाँ, एक कुछ चल तो रहा है, बहुत गाइडलाइन के रूप में अभी नहीं आई है ना, लेकिन उर्दू कुछ मैंने भी सुनी, उसको ऑथेंटिकेट मैं नहीं कर सकता अभी। तो उसका पर्पस मेन ये है वो भी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।